हाय एवरीवन एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है हमारे प्लांट्स की हेल्थ की तरफ। अगर हमारे प्लांट्स हेल्दी हैं तो हमें खुशी होती है, वो अच्छे से हरे भरे रहते हैं और अच्छे से उनमें पत्तियां आती हैं, फ्लावरिंग होती हैं और वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी देती है। हमारे प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए हम काफ़ी सारे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, समटाइम्स कोई हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जैसे स्प्रेयर वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि हमारे प्लांट में कोई कीड़े वगैरह ना लग जाएं, तो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं और इन्हीं में से एक होता है वॉटरिंग, तो हम वॉटरिंग का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार क्या होता है कि हमारा प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में चला जाता है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो वो होती है निराई और गुड़ाई। खाद और पानी, इन्हीं की तरह निराई गुड़ाई करना भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम ज़्यादा समय तक प्लांट में वॉटरिंग करते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी जो ऊपर की मिट्टी होती है, प्लांट का जो ऊपरी हिस्सा होता है मिट्टी का, वो समतल होकर और टाइट होना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर का पार्ट इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जो हवा पास होती है जड़ों तक, पानी तो हम दे देते हैं तो पानी की पूर्ति जो है जड़ों तक हो जाती है, लेकिन उसके बाद होती है ऑक्सीजन, एयर कि एयर जो है प्लांट में वो कैसे पहुँचे। अगर ऊपर की मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उनको तोड़ना ज़रूरी होता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से उसमें से हवा पास नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो प्लांट की जड़ है उसको एयर नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि हवा और पानी प्लांट की जड़ों के लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसके लिए हम समय समय पर निराई या गुड़ाई करते हैं। आपने किसानों को भी देखा होगा कि जब फसल छोटी होती है तो उस टाइम पे निराई गुड़ाई का स्पेशल वर्क किया जाता है उसमें, ताकि जो पौधे हैं उनकी जड़ों को हवा मिले और अच्छे से उनमें एयर पास होके और प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। इसका एक कारण ये भी होता है कि ज़्यादा समय तक जब हम सिर्फ वॉटरिंग करते रहते हैं हमारे प्लांट में, तो उससे क्या होता है कि और भी सारे जो खरपतवार होते हैं, जो वेस्ट के प्लांट्स होते हैं, वो उग आते हैं, जो घास फूस होता है, तो उसको हटाना भी ज़रूरी होता है। उसके लिए भी निराई गुड़ाई की जाती है। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, कहीं की मिट्टी चिकनी होती है, कहीं पर बालू मिट्टी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे बालू रेत होती है उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, लेकिन चिकनी मिट्टी है उसमें हार्डनेस बहुत जल्दी आ जाती है। तो ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी निराई गुड़ाई की जानी चाहिए। मैंने जो अपने प्लांट्स हैं उनमें जब इस तरीके से गुठलियाँ बन जाती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो रिवर सैंड होती है वो भी हमारे गमलों में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इस तरीके से इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, तो मैं इनको तोड़ देती हूँ ताकि ये फिर से एक बारीक मिट्टी बन सके और जो प्लांट की जड़ें हैं उसमें एरेशन अच्छे से हो सके और इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुके नहीं। मैं अक्सर ये काम अपने प्लांट्स के साथ करती रहती हूँ, तो इससे क्या होता है कि निराई गुड़ाई करने से जो भी बेकार की चीज़ें होती हैं, जैसे कि घास फूस उगाता है, वो भी हट जाते हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी है वो भी वापस से बारीक हो जाती है। अब ज़रूरी होता है कि निराई गुड़ाई करने के बाद हम अपने प्लांट की मिट्टी को कुछ समय के लिए सूखने दें। इसमें हम एक दिन का समय भी दे सकते हैं कि हम एक दिन के लिए अपनी मिट्टी को इस तरीके से छोड़ दें और वो अच्छे से सूख जाए, और फिर हम इसमें चाहे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वाटर में ऐड करके, या फिर सिर्फ वाटर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्लांट जो है और अच्छे से बढ़ता है और अच्छे से ग्रोथ करता है। कई बार क्या होता है कि सिर्फ 5-6 घंटे ही उसको खुला छोड़ना इनफ होता है, तो ऐसे में हम उसे 5-6 घंटों के लिए भी छोड़ सकते हैं और ऐसे जो है एरेशन हमारे प्लांट में अच्छे से बना रहता है, हमारे पौधे की जड़ें स्वस्थ रहती हैं और अच्छे से हमारे प्लांट की ग्रोथ होती है। सो निराई गुड़ाई करना हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अगर हम बात करें कि निराई गुड़ाई हमें कितने समय में करनी चाहिए, तो देखिए जब भी हम प्लांट्स की जो गुड़ाई होती है इसमें मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाती है। जैसे कि हम गोबर की खाद है वो एज ए फर्टिलाइजर हमारे प्लांट को देते हैं, तो उसमें जरूरी होता है कि मिट्टी जो है वो ऊपर नीचे हो जाए ताकि पूरा का पूरा जो फर्टिलाइजर है उसका अच्छे से इफेक्ट प्लांट के ऊपर पड़े, एक अच्छा इफेक्ट पड़े, और उससे क्या हो कि हमारा प्लांट जो है और अच्छे से ग्रो करे। आप मेरे इस प्लांट को देख रहे हैं, ये ज़्यादा दिन पुराना नहीं है। मैं इसमें जो है समय समय पर निराई गुड़ाई करती रहती हूँ। इससे क्या होता है कि इसकी मिट्टी जो है वो बारीक बनी हुई है और अच्छे से इसमें एरेशन भी होता है, वॉटरिंग भी हो जाती है, और मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे देती हूँ, तो ऐसे में मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से चलती रहती है। ये मेरा करी पत्ता का पौधा है, इसमें मैंने कल की थी ये गुड़ाई, और इसमें देखिए मिट्टी को मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, और जब तक ये मिट्टी अच्छे से सूख नहीं जाएगी तब तक मैं इसमें वापस से पानी नहीं डालूंगी। तो एक बार मिट्टी जो है अच्छे से सूख जाए ताकि नीचे तक की मिट्टी जो है उसको हवा मिल सके, और अच्छे से उसे हवा मिलने से जो मिट्टी है वो सूख जाती है, और इससे हमारा जो प्लांट है इसमें क्या होता है कि हम दोबारा से वॉटरिंग करते हैं तो हमारा प्लांट और भी अच्छे तरीके से बढ़ता है। सेम ये मेरे पास एक ट्रम्पेट वाइन का प्लांट है, और ये देखिए मैंने इसकी जो है कटिंग लगाई थी, और कटिंग लगाने से देखिए ये पौधा इतना अच्छा सा ग्रो कर रहा है। यहाँ से इसकी ग्रोथ रुक गई थी क्योंकि इसमें एफिड अटैक हो गया था, लेकिन अब ये प्लांट बिल्कुल सही है और अब इसमें नई पत्तियाँ भी आ रही हैं। तो देखिए इस प्लांट की मिट्टी को भी मैंने बारीक कर दिया है। कई बार क्या होता है कि हम जब गुड़ाई करते हैं तो इस तरीके से गुठलियाँ बन जाती हैं हमारे प्लांट्स में, तो इनको तोड़ना ज़रूरी होता है। इन्हें आप या तो हाथ से तोड़ सकते हैं या फिर कोई जो हैवी चीज़ होती है जैसे बेलन वगैरह, या फिर आप कोई पत्थर ले सकते हैं छोटा सा, उससे आप इसे थोड़ा सा हल्का हल्का कूट करके और तोड़ सकते हैं, तो ये हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होता है। ये मेरा अपराजिता का पौधा है, इसमें जड़ देखिए आप ऊपर की तरफ आ गई है, इधर दो तीन जगह से इसमें जड़ जो है ऊपर की तरफ आई हुई थी, तो ये ज़रूरी है कि इसकी जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं इनको हम कट कर दें, और कट करके और फिर इस प्लांट की ग्रोथ जो है अच्छे से होती रहे। इसके अलावा इसमें जो वेस्ट के जो पौधे हैं जैसे कि घास फूस होता है वो भी उग आए थे, तो उनको भी मैंने हटा दिया है, और देखिए इसमें गुठलियाँ भी बनी हुई थी और अब ये कितना बारीक रेत हो गया है। सो इस तरह की मिट्टी हमें अपने प्लांट को जल्दी जल्दी एक्सपीरियंस करवाते रहना चाहिए ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ और अच्छे से और बढ़िया तरीके से चलती रहे। गुड़ाई करना हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा तो होता ही है, लेकिन इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि गुड़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। इसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमें खुरपी को कैसे पकड़ना है, क्योंकि हम खुरपी की मदद से ही हमारे प्लांट्स में गुड़ाई करते हैं। चाहे हम ग्राउंड में गुदाई कर रहे हैं या फिर हम गमले में कर रहे हैं, जो भी खरपतवार आते हैं बीच में उन्हें हमें हटाते जाना है हाथ से उठाकर, और हमें मिट्टी के साथ जो खुरपी होती है उसका 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अगर हम 90 डिग्री के एंगल पे गुड़ाई करते हैं और हम जब पौधे की जड़ों के आसपास जो पौधे का स्टेम होता है उसके आसपास जब हम गुड़ाई करते हैं तो उससे हमारे प्लांट की जड़ कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे हमारे पौधों की स्टेम को भी नुकसान पहुंच सकता है। अगर स्टेम को या फिर पौधों की बिल्कुल पास वाली जड़ को नुकसान पहुंचता है तो इससे हमारा प्लांट खराब हो जाता है। हमें मिट्टी चेक कर लेनी है कि वो कितनी टाइट है, उसी के हिसाब से हमें गुड़ाई करनी है। अगर थोड़ी सी ढीली मिट्टी है तो उसमें हम गुड़ाई बिल्कुल उसके सूखने पर कर सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी इस तरीके से ज़्यादा टाइट है, उसमें बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाती है, तो हमें थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी में गुड़ाई करनी है। इसमें जब भी गांठें होती हैं उनको बीच में तोड़ते जाना है। अगर वो बहुत ज़्यादा गीली हैं तो हमें इंतज़ार करना है कि वो अच्छे से सूख जाए। जब वो सूख जाती हैं तब हम उन्हें किसी चीज़ की मदद से तोड़ सकते हैं, या फिर हम इन्हें मुट्ठी में लेकर भी और बारीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रेत का बारीक होना ज़रूरी होता है।
खुरपी की मदद से हम जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसको ढीला कर सकते हैं। तो इससे जो ऊपर की मिट्टी होती है और जो नीचे की मिट्टी होती है उसका कांटेक्ट जो है लूज हो जाता है। वहीं अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है, अगर हम मिट्टी को हाथ में ले रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी इसमें वाटर प्रेजेंट है, अभी भी इसमें हमें पानी महसूस हो रहा है, तो हम इसको रहने देंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि ये हल्की सी सूख जाए और तब हम इसमें गुड़ाई करेंगे। वहीं अगर हमने किसी गमले में चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल कर रखा है, जैसे कि मैंने ये अशोका का पौधा गमले में लगा रखा है, इस पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसका गीला होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है तो जब मैं इसमें खुरपी लगाती हूँ तो उस वक्त ये खुरपी है यही मुड़ जाती है, तो उस वक्त इसमें गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। सो इसमें जब भी मैं गुड़ाई करती हूँ तो हमेशा इसकी मिट्टी गीली होती है, नमी होती है उस मिट्टी में, तभी मैं इसके अंदर गुड़ाई करती हूँ। इसमें जब भी गांठें बनी होती हैं तो उनको मैं ढीला कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ बीच बीच में, और जब ये मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाती है तब मैं अगेन इसको तोड़ करके और ठीक कर देती हूँ। तो इस तरीके से ही हमें खुरपी को इस्तेमाल करना है और इसी तरीके से हमें मिट्टी को बारीक करते जाना है। ये मेरा कोर्डीलाइन प्लांट है और मैं इसकी समय समय पर गुड़ाई करती रहती हूँ, इसमें मैं वॉटरिंग करती रहती हूँ, इसकी मिट्टी को मैं बिल्कुल बारीक करके रखती हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइट मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सो इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है और मिट्टी को गुड़ाई का काम हमें अपने प्लांट्स में कम से कम 15 दिन के गैप पर करना चाहिए। आप 10 दिन का भी गैप रख सकते हैं, 20 दिन का भी रख सकते हैं, बट एवरेज मैं आपको बताऊं तो आप 15 डेज के गैप पर अपने प्लांट्स में गुड़ाई का काम कर सकते हैं। उससे हमारे प्लांट्स अच्छे से चलते रहते हैं और इतना गैप जो है प्लांट्स के लिए सही रहता है। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं तो रोज़ाना दो दो चार चार पौधों की गुड़ाई कर दीजिए। जैसे कि मैंने पहले कुछ जो है 8-10 पौधों की गुड़ाई कर दी, मेरे पास 100 से अधिक प्लांट हैं, कुछ 8-10 पौधों की गुड़ाई मैं आज कर दूंगी, कुछ की मैं कल परसों कर दूंगी। तो इस तरीके से हर प्लांट को टाइम मिलता रहता है और ऐसे सभी हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से बढ़ते रहते हैं, अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। तो आप भी अपने प्लांट्स में ये काम जरूर कीजिएगा, इससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी और वाटरिंग वगैरह आप अच्छे से अपने प्लांट्स में कर पाएंगे। सीजन का इफेक्ट जो है वो भी प्लांट्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, अच्छे से इनको धूप भी मिलती रहेगी और धूप छाया का हिसाब जो है हमें अपने प्लांट का देखना होता है कि हमें लोकेशन क्या दे रखी है अपने प्लांट को, मतलब कि कहाँ पर रख रखा है। वो डिपेंड करता है कि हमारा प्लांट इंडोर है या आउटडोर है, तो उस हिसाब से हम उसकी लोकेशन देखते हैं, फिर हम उसमें गुड़ाई का काम करते हैं। इंडोर प्लांट्स में अलग से, जैसे कि हम थोड़े ज़्यादा गैप पे भी गुड़ाई कर सकते हैं। आउटडोर प्लांट्स में क्या होता है कि उनका पानी जल्दी सूख जाता है, तो उसमें थोड़ा गुड़ाई का काम हमें और जल्दी करना पड़ता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।